Hi students, good morning. So welcome to the fourth lecture of the chapter. Chapter name is the French Revolution. And now we are on page number six. And today we will do at the title given here. What is it? Read it. A growing middle class analyzes an end. Two privileges. Okay. So. Pyaari bachho. Abhi tak jo humne. We discuss about. The conditions. Of France. Who was ruling the France. That time. Okay. We are talking about the revolution. Which occurred in 1789. In France. But to understand. To reach. To this time.

और सारा लोड जो टैक्सेस का था वो थर्ड स्टेट से जो है वो चार्ज किया जाता था और हमने देखा कि उसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिलता है ये सारी चर्चा अभी तक हम इस चैप्टर में कर चुके हैं ठीक अब यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा और फिर हम जो अपनी जो स्टोरी हमने अभी तक डिस्कस की है उसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे टाइटल है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवीज एंड एंड टू प्रिविलेज एनविसेस होता है टू इमेजिन मतलब एक मिडिल क्लास इमर्ज होती है उस समय मतलब एक मिडिल क्लास का उदय हुआ जिसने एक इमेजिन किया किस बारे में टू एंड टू प्रिविलेजेस जो भी फैसिलिटीज मिली हुई थी जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि उनका एंड हो अब ये प्रिविलेजेस किसको थे जाहिर सी बात है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ठीक है अब ये मिडिल क्लास कहां से तैयार हुई जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे जो जिनको बाय बर्थ प्रिवलेज मिले हुए थे उनकी लाइफ तो अच्छी थी अब लाइफ ज़्यादा बेहतर नहीं थी या जो भी बर्डन था ठीक है टैक्सेस का बर्डन था आर्थिक तंगियाँ थी इकोनॉमिक क्राइसिस थे जिसको हम कह सकते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किसके लिए किसके ए, साथ जुड़े हुए थे वो थे थर्ड द थर्ड स्टेट्स अब मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स में भी यदि आप देखें आपने पढ़ा भी है और पिछले पेज पे यदि आप जाए तो आपको पता है कि वहां पर भी कैटेगरी है उसमें कुछ लोग अच्छे थे बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स कोर्ट ऑफिशियल लॉयर्स जैसे लोग एजुकेटेड लोग थे उसके बाद फिर पीजेंट्स और आर्स थोड़ा दूसरा वर्ग था और, और सबसे नीचे थे स्मॉल पीजेंट्स ना लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स वगैरह जो रोजमर्रा की मतलब एक तरह से जिनका काम चलता था ठीक तो इस तरह से और भी ज्यादा पुअर लेकिन ये सारे के सारे थर्ड स्टेट्स में ही आते हैं तो ये एक व्यवस्था थर्ड स्टेट्स में देखने को मिलती है अब यहाँ पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि एक मिडिल क्लास इमर्ज हुई और वो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि उस समय लोग जो हैं जो थर्ड स्टेट्स के कुछ लोग जो थे वो पढ़ लिख गए जब वो पढ़ लिख सॉरी पढ़ लिखने से पहले मैं बात करूंगा व्यापार की लोगों ने पैसा अर्जित किया और वो पैसा अर्जित कैसे हुआ यस व्यापार करके ठीक है ना तो व्यापार किया उन्होंने देश में किया विदेशों के साथ किया ओवरसीज जो है ट्रेड्स देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से उनके पास पैसा आ गया कुछ लोगों के पास है ना मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स और उसी में से जब पैसा आ गया तो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू कर दिया मतलब एक धीरे धीरे एजुकेशन का प्रसार हुआ एजुकेशन का प्रसार होने से क्या हुआ कि आइडियाज जो है जनरेट हुए न्यू आइडियाज ठीक है ना एक पैसा आ गया थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड था लाइफ का वो बेहतर हो गया था मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स के कुछ लोगों का तो उससे जो है ऐसे जैसे लोगों के आइडियाज भी जो हैं वो चेंज हुए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ठीक है जी और अब ये आइडियाज कहाँ से जनरेट हो रहे थे ये आइडियाज ऐसे लोगों के पास जो ये एलाइटेड आइडियाज जिसको हम कहेंगे ये कैसे आए लोगों के पास तो इसके लिए जब हम लास्ट में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे द रोल ऑफ ये क्वेश्चन आता है आपको ठीक है ना इसको ध्यान में लिख लो द रोल ऑफ फिलोसफर मेन हमने इसमें यही बात करनी है द रोल ऑफ फिलोसफर्स और इस फिलोसफर्स के कुछ नाम हैं ठीक है और वो कौन कौन से फिलासफर हैं क्योंकि आपकी इस बुक में तीन फिलोसफर्स के नाम दिए हुए हैं और वो उनके नाम है जैसे जॉन लॉक एक नाम है दूसरा नाम है जीन जैक्स रूसो और तीसरा नाम है तीसरा नाम है मोन्टेस्की ठीक है ना तो ये नाम जो है वो आ, आ, आपकी इस बुक में दिए हुए हैं आ, तो इन इनके बारे में है वैसे मैं आपको आ, मैं चाहूंगा कि आप ये लिख लें थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए आ, फिर मैं आपके आ, साथ जो है वो आ, डिस्कस क्या है जॉन लॉक लिख लीजिए आप जॉन लॉक जो था लिखिए पेन पॉज करिए और पेन अपना निकालिए कॉपी लीजिए आप ठीक है डाउन जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं राइट यूके बोर्न बॉर्न हुआ ये और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1632 1632 से सोलह 1704 तक आप इसको लिख लें इंग्लिश फिलोसफर हुआ और अब आपको पता है उसमें राजाओं का राज था ठीक है ना तो इसने जो है वो एक तरह से जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की होती थी उसको अपोज किया उसको रिफ्यूट किया उसका खंडन किया है तो जिसमें उसने जो है वो अगर मैं यूं कहूं कि लाइफ के बारे में बोला लोगों की लाइफ कैसे होनी चाहिए लिबर्टी के ऊपर फोकस किया उसने अपनी फिलोसफी में प्रॉपर्टी संपत्ति के ऊपर भी उसने कहा कि होनी चाहिए तो इस प्रकार से एक जो एक सिस्टम चला आ रहा था उससे हट के एक आइडियाज दिए तो जब लोगों ने इस आइडियाज़ को पढ़ा जॉन लॉक जैसे फिलासफर्स के आइडियाज को पढ़ा तो एक चेंज जो माता है माइंड में आता है ठीक है ना आप बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं तो आपके आपका विजन भी जो है वो हर क्लास में आ, हर स्तर पे जो है वो चेंज हो जा रहा है ठीक है ना एक जो आज आप हैं वो कुछ वर्षों के बाद नहीं होंगे जब आपके पास और आ, एजुकेशन होगी न्यू आइडियाज होंगे तो ये आइडियाज जो भी आपके पास अभी बन रहे हैं तो वो भी तो कहीं कही ना कहीं से एजुकेशन से ही बन रहे हैं ना ठीक है आस पड़ोस से या एजुकेशन से मतलब एक आइडियाज़ जो है वो देने के लिए तो ये कुछ एलाइटेड पीपल हुए कुछ बुद्धिजीवी हुए जिसमें पहला मैंने आपको बताया जॉन लॉक ठीक तो उसके बाद आप हाँ एक बुक लिख लीजिए जॉन लॉक ने जो लिखी थी क्योंकि आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है और ये आपके इसमें बुक में भी है जॉन लॉक ने बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट ठीक है बुक का नाम आएगा टी आर ई ए टी आई एस सी एस टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट ठीक है जी ये इसकी बुक का नाम है दूसरे हैं दूसरे हैं आपके जीन जैक्स रूसो राइट जीन जैक्स रूसो जो हैं इनकी भी बुक का नाम लिखिए क्योंकि आपसे या तो आपको यही ध्यान में रखना है थोड़ा सा मैं वैसे ऐसे बता दे रहा हूं किताब में तो इतना नहीं है इनका क्वेश्चन लिखा हुआ है जीन जैक्स रूसू ने लेकिन बुक पूछ ली जाती है कि कौन सी बुक किसने लिखी थी जीन जैक्स रूसो ने इनकी बुक का नाम लिखी है आप हाँ जी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये जीन जैक्स रूसो हैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं ये एक जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वहां पे ये पैदा हुए और फ्रांस में ही इनकी डेथ हुई बाद में चलकर यूरोप में और इनका टाइम पीरियड अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए 1712 ट्वेल्व टू सेवनटीन सेवनटी से 1778 ठीक है जी तो थोड़ा सा इनकी फिलॉसफी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस इन इन्होंने किसके ऊपर बात किया इन्होंने भी जो है जैसे इक्वल वोटिंग राइट्स के ऊपर जो इनकी फिलोसफी का निचोड़ देखेंगे हम तो इक्वल वोटिंग राइट्स के ऊपर इन्होंने अपनी फिलोसफी दी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो इन्होंने अप्रोच किया ठीक है ना तो मेन ये दो पॉइंट्स आप इनसे रिलेटेड थोड़ा ध्यान में रखेंगे ये जीन जैक्स रूसो थे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी अपनी फिलॉसफी लिखी थी ठीक तीसरे फिलॉसफर्स का नाम आएगा मोंटेस्क्यू ठीक एम ओ एन टी ई एस क्यू यू क्यू यू आई ई यू ये नाम दे रखे हैं आपकी बुक में हैं अभी अब अभी इस 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 हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे राइट साइड दे रखा है दूसरे पेज पे मोन्टेस्क्यू अब इनके बुक का नाम लिख लीजिए का का बुक नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज क्या है द स्पिरिट ऑफ द लॉज राइट और इस मोन्टेस्क्यू जो है वो ये फ्रेंच फिलॉसफरी हुए बौद्ध एक विक्स एक नाम की मतलब एक रीजन है फ्रांस का वहां पर ये पैदा हुए थे और बाद में पेरिस में इनकी डेथ हुई थी टाइम पीरियड अगर आपको लिखना है लिख लीजिए 1689 टू 1755 ठीक है जी 1689 टू 1755 और अब इन्होंने जो इंपॉर्टेंट जो इनकी फिलॉसफी रही जो जिसके ऊपर इन्होंने फोकस किया वो था डिवीजन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर कैसा जिसमें हम देखते हैं पावर किसमें बटी होनी चाहिए लेजिस्लेचर कॉमा एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आज भी पावर किसमें बटी हुई है इन थ्री ऑर्गन में है ना तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऐसे विचारों का जो ओरिजिन हुआ वो मोन्टेस्की जैसे फिलासफर्स ने अपनी फिलासफी में दिया और इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है वो अमेरिका में हुई जैसे कि इस मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था जब वहां पर डेमोक्रेसी आई तो इस सिस्टम को जो है वहां पर फॉलो किया गया और फिर फ्रांस में भी इस सिस्टम को अडोप्टे ऐसा सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए इसके लिए जो है वो लोगों के अंदर चर्चाएं जो हैं वो उस दौर में 1789 के उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के इसमें जो है वो शुरू हो जाती हैं ठीक ठीक है जी तो ये तीन फिलोसफर्स ये नाम आपने लिखे और इनसे रिलेटेड जो भी हैं बुक्स मैंने आपको बता दी कौन कहाँ का रहने वाला था क्या है ये कुछ थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको दिया तो ये सारी बात है इस सारे के सारे पैराग्राफ में जो हमने इसमें जानना है कि किस प्रकार से एक आ, मैं थोड़ा सा फिर से समराइज कर देता हूं कि क्या था फिर से अब इस, पे, इस सारे में समराइज इस, इसको मैं रीड करूंगा नेक्स्ट इसमें लेकिन इसको इसकी समरी देख लो क्या हुआ कि अब आपको पता है कि जो कंडीशन थी वो बेहतर नहीं थी यहां से आप फिर से सुने कंडीशन बेहतर किसकी नहीं थी जो मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स थे मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स में भी कुछ लोग वो थे जो बिल्कुल ही निम्न स्तर के थे ठीक है ना लैंडलेस फार्मर सर्वेंट्स वगैरह जो जिनकी अच्छी स्थिति नहीं थी तो ऐसे लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट भी किए ठीक है अपने अपने इसमें लेकिन वो ना के बराबर थे अब ये सारा जो भी सिस्टम था वो बाद में किसके ऊपर चला गया मतलब इसके अगेंस्ट अगर अब आवाज कोई उठाएगा तो वो आवाज उठाने का जो काम जो है वो किसके ऊपर आ जाता है थर्ड स्टेट आल्सो लेकिन कौन से जो हो चुके हैं ठीक है जिन्होंने पैसा कमा लिया है मर्चेंट ट्रेडर्स जो बन के या फिर कुछ अधिकारी बन गए जिनके पास पैसा इकट्ठा हो गया और उन्होंने एजुकेशन ली और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास जो है वो फ्रांस के अंदर इमर्ज हुई और उसने जो है वो अपने अधिकारों के लिए ठीक है अपने अधिकारों के लिए चर्चा करना शुरू कर दिया समाज में क्योंकि इनका मानना था अब हुआ यूं कि जब पैसा आ गया एजुकेशन आ गई तो इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये जो राइट्स मिले हुए हैं बाय बर्थ क्यों मिले हुए हैं हम भी तो उनकी एक तरह इंसान हैं ठीक है जैसा वो इंसान दिखते हैं वैसे ही वो हैं उनका भी वही मुंह है कान है नाक है हाथ है ठीक है टांगे हैं हमारे भी ऐसे ही हैं तो उनको प्रिविलेज बाई बर्थ क्यों और हमें क्यों नहीं ठीक है दूसरी बात कि तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए यदि आदमी के अंदर पोटेंशियल है सिस्टम जो है वो आ, राजा तक सीमित नहीं होने चाहिए ठीक है राजा तो करप्ट भी हो सकता है जैसे जॉन लॉक ने अपनी आइडियोलॉजी में यही कहा था कि कहीं ना जो उसने जो जो एप्सुलट Uh, क्या कहते हैं जो उसने Divine and Absolute Rights of Monarch का जो को किया मतलब उसका खंडन किया उनके राइट्स का तो उसने यही कहा कि जो है राजा तो करप्ट भी हो सकता है ठीक है जीन जैत रूपसो ने भी इसी तरह से आइडियोलॉजी देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति विशेष तो करप्ट हो सकता है तो एक व्यक्ति विशेष के पास जो है पावर सीमित हो जाना ये अच्छी बात नहीं है पावर जो है वो किसके पास होनी चाहिए अन्य लोगों के पास डेमोक्रेसी व्यवस्था होनी चाहिए लोग लोग निर्धारण करें कि किस प्रकार से पावर किसके पास होनी चाहिए किसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ठीक है ना तो इस प्रकार से ये चर्चाएं बनी एक मिडिल क्लास से मर्ज हुई और उसका कारण मैंने आपको बता दिया लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो एक आइडियोलॉजी एक फिलॉसफी वर्क करती है और उसमें कुछ लोगों की जो फिलोसफीज थी वो इम्पॉर्टेंट रही इसमें जॉन लॉग जीन जैक्सो जैसे फिलोसफर्स की फिलोसफी उस समय के लोगों के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस डालती है प्रभाव डालती है और इस प्रकार से एक चेंज के ऊपर जो है बात होना शुरू हो जाती है फ्रांस के अंदर मतलब एक तरह से क्योंकि अब ये वो टाइम था हम उस समय पहुंच गए हैं फ्रांस में जो आप अब पीछे से कहानी को रिलेट करें कि एक सबसिस्टेंस क्राइसिस का जो जो था फ्रांस था फ्रांस कॉमन लोग जो के अंदर त्राही त्राही मच चुकी थी अनाज की कीमतें बढ़ चुकी थी लोगों के पास पैसा नहीं था और कंडीशंस बदते बदतर हो रही थी सबसिस्टेंस क्राइसिस जिसको हम कह रहे हैं ठीक है ना वो आ चुका था मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी लोगों की और ऊपर से टैक्स जैसा बोझ जो है वो राजा अब बढ़ाने वाला था क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि एम्प्टी ट्रेजरी था और वो लोड अब किसके ऊपर आना था द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स और यहां से जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने वाला है और मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स भी अब रेडी हैं कि यदि अब राजा ऐसा करेगा अगर वो अब टैक्स बढ़ाएगा और उसका बोझ सिर्फ हमारे ऊपर डालेगा तो हम उसका विरोध करेंगे ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे बेटा ठीक है तो मैंने आपको समरी दे दिया है कि इस सारे पैराग्राफ में क्या है अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रीड कर दूंगा ठीक है आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे और आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है प्लीज बी डिस बी रेगुलर ठीक है अपने काम को साथ के साथ करते जाइए क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आपके लिए जो है वो परेशानी तैयार हो जाएगी ठीक है ना बेटा तो अच्छे बच्चे बनना है आपको और आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है सो so, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू वेरी मच थैंक्स